Let us start. Today we have done our exercise section. This is class 4. Chapter is your one. Chapter name is On the Bees. We have a short exercise in this chapter. Let's start. What is the first exercise? Complete these sentences. Aapko sentences ko complete karne hai. Aapka exercise hai. Some of the things the speaker wishes to see are what? तो क्या है इसमें, क्या क्या है उसमें, क्या क्या फील करने हैं, क्या स्पीकर्स जो है वहाँ क्या उसकी विश होती है और क्या वो देखता है उसी में. तो क्या देखता है, अ लिटिल फिश, फर्स्ट इज अ लिटिल फिश, अ वाटर रैट एंड अ स्पाइडर एंड अ प्रीटी सर्कल इन द वाटर. और सर्कल देखता है, आप जब देखेंगे वाटर को देखेंगे तो उसमें एक वेव होता है. आप उसमें थोड़ा भी अगर कोई इंसेक्ट भी चला जाता है तो उसमें से सर्कल निकलता है, इट मींस की वेव निकलता है लाइक दैट. ओके, देन व्हाट्स नेक्स्ट, टू नंबर. और फिर क्या है आपका टू नंबर, देन स्पीकर इमेजिनेशन दैट द व्हाट विल बी इन अ ग्रेट व्हाइट शी. उस पे अब पूछ रहा है कि उस वाटर शी में वो क्या देखता है. तो नेक्स्ट क्या देखता है, फ्लावर देखता है. ओके, एंड द थर्ड इज, थर्ड आपका क्या फीड करना है, द प्रीटी सर्कल आर एक्चुअल व्हाट. इसमें क्या है, प्रीटी सर्कल क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, तो रैपल्स कॉज्ड बाय अ स्टोन थ्रोन इनटू द वाटर. जब हम थ्रो करते हैं वाटर में स्टोन को तो एक रैपल्स होता है. रैपल्स इट मीन्स कि वेव्स की तरह वो अगर उसमें मारिएगा तो वेव्स की तरह पूरे जगह को क्या हो जाता है, राउंड वे में एक बड़ा सा सर्कल की तरह उसे रैपल्स की तरह उसमें होता है. देन नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको वर्ड्स को चेंज कर देने हैं इन योर ओन वे. फर्स्ट है मीरा, थ्रू आ पेबल्स इन टू द मॉड. थ्रू करती है क्या, किस चीज में, मॉड. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, व्हाट फील करने हैं इसमें. फिर से अगेन द बॉय सेट इनसाइड द ट्री. देखिए आप लिखे गए हैं यहाँ पे क्या क्या फील करना है. फर्स्ट इज थ्रू एंड द सेकेंड इज द शेड एंड द थर्ड इज फ्लटेड एंड द फोर्थ इज व्हाट, सेट. दिस वन इज योर एक्सरसाइज एंड फीड योर एक्सरसाइज यू शुड डू, यू शुड डन इन योर प्रॉपर हैंड and mug up all the words and poem also and write up the poem in your book copy. Let us see you at SW. Have a nice day. Bye.